पक्की चिकन बिरयानी बड़ी आसानी से बन जाती है। राइस को पका लीजिए, चिकन को पका लीजिए, सैंडविच कर दीजिए और उसको दम कर लीजिए। मगर एक बार आपने कच्ची चिकन बिरयानी टेस्ट कर ली, आप दोबारा कभी शायद ही पक्की चिकन बिरयानी खाएंगे। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाने का सबसे आसान, अनोखा और मज़ेदार तरीका शेयर करेंगे। चलिए तो हम झटपट इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी हांडी में आपने 250 ग्राम गाढ़ा दही शामिल कर देना है। इसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, साथ में 150 ग्राम तला हुआ प्याज, ब्राउन फ्राइड अनियन, 1 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3/4 कप पुदीना बारीक कटा हुआ। हमने इसमें नमक स्वादानुसार डाल दिया है और अब अपने इस मैरिनेशन को ठीक से मिला लेना है। इस स्टेज पर आने के बाद आप मैरिनेशन को टेस्ट कर लीजिए। आपका मैरिनेशन हल्का सा खट्टा, तीखा और सॉल्टी टेस्ट में आ जाना चाहिए। इसके बाद हमने इसमें आज 1250 ग्राम बिरयानी कट किया हुआ चिकन डाल दिया है और इसको हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए ठंडी जगह पर मैरिनेट करने के लिए रख देना है। इससे पहले हम इसमें जो है घी डाल देंगे 50 ग्राम, यह आपकी बिरयानी को मॉइस्ट रखेगा। अच्छी तरीके से मिला लीजिए और ढक्कन लगाकर आपने 4 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। बिरयानी की सबसे खास बात होती है उसका राइस। आज हमने 900 ग्राम लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। आपने राइस को अच्छी तरीके से धो लेना है और आप राइस में ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर का पानी डाल दिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि बिरयानी का राइस आपने 1 घंटा सोक कर देना है। 3 घंटे बाद आपने चिकन बिरयानी में 1 चम्मच इलायची पाउडर या आप 2 बूंद केवड़ा एसेंस का डाल के इसे दोबारा ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उतनी देर में हम जो है राइस की तैयारी करते हैं। हम एक पोटली बनाएंगे, उसमें सारे सूखे गर्म मसाले। अब बिरयानी की खास बात होती है कि बिरयानी खाते वक्त आपके दांतों तले मसाले नहीं आने चाहिए, मगर लोगों को समझ भी नहीं आना चाहिए कि ये कौन से मसाले डाले हुए थे। इस वजह से हम जो है पोटली में सारा सूखा गर्म मसाला डालते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिरी, बड़ी इलायची, हरी इलायची और साथ में जावित्री। इसकी हमने छोटी सी पोटली बना दी थी। चलिए तो हम राइस की तैयारी शुरू करते हैं। राइस के मुकाबले हमने 4 गुना, जी हाँ, तकरीबन 4 लीटर पानी एक बड़ी सी डेगची में, बड़ी सी हांडी में गरम कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें जो है हमारी पोटली, जिसमें हमारा सूखा गरम मसाला है, वो डाल देना है। नमक बहुत ज़रूरी है कि आपका जो 4 गुना पानी है वो सॉल्टी टेस्ट या फिर हल्का सा तेज़ होना चाहिए नमक के मामले में। इसके बाद हमने इसमें पुलाव पत्ती डाल दी थी, आप चाहे तो तेज पत्ता डाल दीजिए। और 1 चम्मच हमने इसमें जो है वो जीरा डाल दिया था। ढक्कन लगा लीजिए और पानी को उबाल आना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा खासा खुला राइस बनाने के लिए। हमारा पानी जो है वो गर्म तैयार है। अब हमने इसमें जो है राइस को ड्रेन कर लिया था और हमने सारा राइस जो है उबलते हुए पानी में धीरे धीरे करके डाल देना है। अक्सर ये बात आई एम श्योर बिरयानी बनाने वालों को पता है कि राइस डालने के बाद आपका जो पानी है उसकी जो नमक की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। आपने जो है दोबारा राइस डालने के बाद में पानी को चख लेना है। अगर आपको न पानी टेस्ट सॉल्टी नहीं लगती है तो आपने जो है उसमें दोबारा हल्का सा छोटा चम्मच सॉल्ट डाल देना है। ध्यान रहे कि आपका जो पानी है ये उबलता रहे। राइस को खुला खुला होने के लिए या फिर खुला राइस बनने के लिए सबसे खूबसूरत बात है आप उसमें 2 चम्मच घी और 2 चम्मच
नींबू का रस शामिल कर देंगे इस स्टेज पर। चम्मच के सहारे इसको हल्का सा मिला लीजिए और अब हम राइस को पानी को उबाल आने का इंतजार करेंगे। अब हमने जो है राइस को 70% पकाना है। 70% राइस पक जाए ये कैसे पता लगेगा आपको? जब आपका राइस जो है वो डांस करने लग जाएगा, माफ कीजिए डांस मतलब राइस जो है आपका उबल कर सतह पर आ जाएगा, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो राइस 70% पक चुका है। स्टेज पर आने के बाद आपने सारा गर्म पानी छान कर हटा देना है और हमें जो ज़रूरत है सिर्फ राइस की। ध्यान रखिए पानी की भाप बहुत गर्म होती है, आपने किसी की मदद लेकर कीजिए या फिर आपने डस्टर का इस्तेमाल करना है। अब जिस हांडी में हमने जो राइस पकाया था उसी हांडी में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था, आप चाहे तो घी भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो 4 घंटे चिकन मैरिनेट कर रखा हुआ था वो इसमें डाल देना है। चम्मच के सहारे आप इसको ठीक से फैला लीजिए। अब जो है आपने इस पर जो 70% राइस पका कर रखा हुआ है वो इस पर फैला देना है। एक बार आपने राइस डाल दिया, इसके बाद कंप्लीटली आपकी मर्जी है, आप जो चीज चाहे उससे गार्निश कर सकते हैं। हमने जो है आज इसको सिर्फ और सिर्फ तले हुए प्याज, हल्का सा 50 ग्राम तला हुआ प्याज, सैफरन दूध में सोक किया हुआ, साथ में हरा धनिया बारीक कटा हुआ एंड पुदीना बारीक कटा हुआ, ये हमने ऊपर से गार्निश कर लिया था। आप चाहे तो इसमें 50 ml एक्स्ट्रा घी भी डाल सकते हैं इस स्टेज पर। कुछ लोग इस पर टमाटर के छल्ले डालते हैं, नींबू के स्लाइस डालते हैं, आलू फ्राई किया डालते हैं। हमने बिरयानी को सिंपल ट्रेडिशनल रखना है। अब आपने इसको ढक्कन लगा देना है। अब आपने एक फ्लेम को हाई करके इस पर तवा रख दीजिए और 10 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है और आपने बिरयानी की हांडी जो तवे पर रख देनी है। लगातार 10 मिनट आप हाई फ्लेम पर बिरयानी को पकाएंगे। इसके बाद 35 मिनट्स के लिए आप स्लो फ्लेम पर बिरयानी को दम देंगे। चाहे तो आप इस पर वजन रख लीजिए ऊपर, अगर आपका जो ढक्कन है वो हल्का सा ढीला हो तो तकरीबन 45 मिनट के बाद आपकी बिरयानी लजीज चिकन दम बिरयानी तैयार हो जाती है। देखिए कितनी खूबसूरत भाप आ रही है। मेरा यकीन मानिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। जिस किसी ने ये रेसिपी फॉलो की है उसने दोबारा कभी पक्की बिरयानी नहीं बनाई है, बिकॉज ये कच्ची चिकन बिरयानी बनाने का एक अनोखा तरीका जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। चिकन जो आपकी चिकन जो है 45 मिनट के लिए आप बॉटम पैन के बॉटल में पकता रहता है और इसकी जो खुशबू राइस में आती है बड़ी ही खूबसूरत है। आपने बस एहतियात के लिए चिकन चेक कर लेना है, चिकन आपका गारंटीड 45 मिनट में पक जाएगा। अब आपने जो है एक बड़े चम्मच के सहारे हल्के हाथ से राइस की जो ऊपरी सतह है उसको मिक्स कर लेना है ताकि आपका जो राइस है खूबसूरत 3 रंग आपको नजर आए, सफेद, पीला और जाफरान रंग। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो राइस है कितना खूबसूरत खिला खिला हो गया हो रखा है। लीजिए आपकी बड़ी ही मजेदार लज्जतदार हैदराबादी चिकन दम बिरयानी तैयार है। हमने आज इसे सर्व किया था बूंदी रायता के साथ में। चाहे तो आप इसके साथ मिर्ची का सालन बना लीजिए या फिर अनियन टमाटर का कचुंबर बना लीजिए, मगर बिरयानी बनाइएगा ज़रूर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया है। उम्मीद है आपको हमारी ये लज्जतदार मज़ेदार हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आ ही गई होगी तो देर किस बात की, दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्त फैमिली के साथ खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोबारा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज हमने जिस तरीके से बिरयानी बनाई है इसे हम कहते हैं कच्ची चिकन बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप बनाइए आप बार बार इसी तरीके से बिरयानी बनाएंगे।
तो उम्मीद है आपको हमारा ये तरीका पसंद आया होगा। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भूलिएगा नहीं अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्वस्थ रहिए, खूब सारा आराम कीजिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे वक्त बिताने के लिए।